तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पर Realme Shift 3, और आज की वीडियो में हम जो है इस फोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो फोन है वो हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम अपने फोन को उसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसको भी साइड में घेरते हैं, और हमें बस फोन चाहिए तो हम फोन बाहर निकालेंगे, बाकी इसमें से और कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको साइड में घेर देते हैं। और ये रहा हमारा यहाँ पे फोन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया वर्किंग कंडीशन अंदर है, और टच भी यहाँ बढ़िया काम कर रही है और एक भी क्रैक नहीं है, बैक साइड से भी एकदम ओके है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे मैं कैमरा ओपन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ बैक कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है और फ्रंट कैमरा भी यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। तो अब इसका फ्लैश टेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जो है पानी को यहाँ पे ऑन करेंगे और इसको अच्छे तरीके से यहाँ वॉश कर देंगे। और जैसे वैसे इसने पहले हमारा जो वॉटर टेस्ट है वो सर्वाइव कर लिया है, तो ये नॉर्मल टेस्ट मतलब ये वाला फ्लैश टेस्ट सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन को यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लिया है, सब कुछ एकदम बढ़िया वॉश कर लिया है, और बाई चांस गंदा भी हुआ साफ हो गया होगा एकदम अच्छे से, और थोड़ा सा झाड़ देता हूँ, थोड़ा सा पानी अगर घुस गया अंदर तो निकल जाएगा। और आप देखते हैं इसको ऑन करके काम कर रहा है, तो हाँ अभी तो बढ़िया काम कर रहा है, टच थोड़ा गीला है इस वजह से ढंग से काम नहीं कर रहा, इसको साफ़ कर लेता हूँ पहले अच्छे से, और यहाँ पे जो है अपने हाथ को भी साफ़ कर लेता हूँ। और टच तो यहाँ भी काम नहीं करी क्योंकि शायद गीला इस वजह से टच नहीं काम कर रही है, थोड़ा सा अच्छे से साफ करता हूँ फिर बात करता हूँ मैं। तो यार अभी मैंने काफ़ी हद तक इसको साफ़ कर दिया और हमें टच भी यहाँ बढ़िया काम करने लग गई है दोबारा से, पहले थोड़ा गीला था इस वजह से ढंग से काम नहीं करी थी। तो मैं कैमरे को ओपन करता हूँ, तो यहाँ फ्रंट कैमरा भी हमारा यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पे जो है बैक कैमरा भी यहाँ काम कर रहा है, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। वैसे वॉटर टच कर रहा था उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, तो अब तो क्या ही दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे इसने जो हमारा फ्लैश टेस्ट सर्वाइव कर लिया है, अब चलते हैं वापस स्टूडियो के अंदर, वहाँ जाकर करते हैं इसका स्क्रैच टेस्ट। तो यार अभी हम स्टूडियो में वापस आ चुके हैं, इसका स्क्रैच टेस्ट करने के लिए पहले हम सिक्के से करेंगे, उसके बाद कटर से करेंगे। तो पहले सिक्के से करते हैं कि सिक्के से इसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो मैं इस साइड पर पहले सिक्के से करता हूँ, किसके देखता हूँ मैं सिक्के को ही यहाँ पे को, और यार ये तो काफ़ी ईजिली पड़ रहे हैं, अभी तो मैंने जोर भी नहीं लगाया, ये देखिए। तो यार ड्रॉप टेस्ट में तो मुझे लगता है टूट जाएगी शायद, जब मैं अच्छे से साफ करके दिखाऊँ यार कुछ बिना उसके साफ साफ दिखाई दे रहा, आपको पता नहीं दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ना ये स्क्रैच ही पड़े हुए हैं इसके ऊपर, काफ़ी इजीली जो है सिक्के से यहाँ पे स्क्रैच पड़ चुके हैं और यार बहुत इजीली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ, स्क्रीन ऑन करने पर भी यहाँ पे जो नोटिस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ नोटिस तो हो रहे हैं स्क्रैच स्क्रीन ऑन करने के बाद भी, और स्क्रीन ऑफ करके तो खैर साफ साफ ही दिखाई दे रहे हैं। तो आगे करते हैं कटर से, देखते हैं कटर से स्क्रैच पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और जो है कटर से खींच के देखते हैं अब यहाँ पे को इस साइड, कटर से घिसने पे भी लगता है ऐसे देखने में तो लग रहा है कि पड़ रहे हैं स्क्रैच। मैं थोड़ा साफ करता हूँ पहले अच्छे से और अब देखता हूँ, हाँ इसके जितने तो नहीं पड़े, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, इधर हैं बहुत लाइट हैं इतने, तो ध्यान से देखने पे दिख रहे हैं, दूर से देखे इतना खास कुछ फर्क पता नहीं लग रहा है कि स्क्रैच पड़े हैं कि नहीं, और डिस्प्ले को ऑन कर ले फिर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्के से पड़े हैं वो काफ़ी ईजिली दिख रहे हैं, लेकिन कटर से इतने ईजिली नहीं दिख रहे हैं। तो सिक्कों से तो अपने फ़ोन को बिल्कुल ही दूर रखिएगा, पहले चीज़ भी दूर रखिएगा, क्योंकि जब रेगुलरली पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, अभी तो मैंने थोड़ी सी माया इसलिए दिख रहे हैं, जब लगातार पड़ते हैं तो पैनी चीजों से तो उनसे तो वो बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ जाएंगे और वो काफी ज्यादा इजीली दिखने भी लग जाएंगे। तो अब करते हैं बैक साइड भी, देखते हैं बैक साइड स्क्रैच पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। पहले सिक्के से करते हैं, सिक्के से मुझे लगता नहीं पड़ेंगे पर फिर भी, क्योंकि बैक साइड पे सिक्के से बहुत रेयरली पड़ते हैं स्क्रैच, और देखिए यहां पड़ नहीं रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, डिस्प्ले के ऊपर बेशक पड़े हैं लेकिन बैक साइड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कटर से काफी इजीली पड़ जाते हैं बैक साइड पे। और देखिए यहां पे भी देखिए ना, यहां पे मैं करता हूं, ये देखिए कितना ईजिली जो है इसके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब मुझे जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा और ईजिली यहाँ पे स्क्रैच पड़ी जा रहे हैं। और ये दो हिस्से अलग अलग, तो यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पड़ रहे हैं कि नहीं, तो हाँ दोनों साइड पड़ रहे हैं, इधर भी पड़ रहे हैं और निचले साइड भी पड़ रहे हैं, काफ़ी ईजिली पड़ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं जो है इनके ऊपर जिसके ग्लासेस हैं मतलब जो लेंस है उसके ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर पड़ते हैं नहीं, पहले फ्लैश लाइट, ये फ्लैश लाइट या दो कैमरे हैं, पहले फ्लैश लाइट पर देखते हैं कि फ्लैश लाइट के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है इससे मतलब कटर से, तो इसे भी मार देता हूँ यार, सब पे मार देता हूँ एक बारी में, तो ये भी मार दिया मैंने इधर, और ऊपर साइड भी कर देते हैं, मैं पूरे ढंग से जोर लगा रहा हूँ, ये नहीं कि थोड़ा बहुत जोर लगा रहा हूँ, अच्छे से जोर लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर भी। और यहाँ पे अब जो है जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर भी देख लेते हैं मार के, फिर लास्ट में देखेंगे कि इनके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे, मतलब स्क्रैच पड़े हैं कि नहीं पड़े वो लग जाएगा पता अभी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है
सारी जगह मार दिए हैं। तो अब देखते हैं इनके ऊपर स्क्रैच पड़े हैं कि नहीं पड़े। तो पहले इसको साफ करता हूँ अच्छे से और बैक साइड से भी साफ कर लेता हूँ, अब ढंग से देखता हूँ मैं। तो जो बैक कैमरा के दोनों लेंस हैं और जो फ्लैश लाइट का लेंस है, मतलब लेंस नहीं मतलब कि जो इनके ऊपर ग्लास लगा हुआ तीनों के ऊपर, इनके ऊपर तो यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है। मैंने काफी ध्यान से देखा, मुझे कोई स्क्रैच इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगली साइड देखें, मतलब डिस्प्ले की साइड जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर यहाँ पे जो स्क्रैच दिख रहे हैं बहुत ध्यान से देखने पर दिख रहे हैं, ऐसे इजिली कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, बहुत ध्यान से देखें तो पता लग रहा है कि इसके ऊपर यहाँ माइनस स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। और मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँ, कैमरे को ओपन करके दिखाऊँ, और बैक कैमरा पे तो कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, और फ्रंट कैमरा पे भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी छोटे स्क्रैच है, बहुत माइनर है, बहुत ध्यान से देखने तभी दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते तो इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हाँ, फ्रंट कैमरा पे स्क्रैच पड़ रहे हैं। तो अब जो फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर जो स्क्रैच पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे, तो ऑब्वियसली बात है पड़ जाएंगे वैसे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ईजिली इसके ऊपर स्क्रैच पड़ रहे हैं, और यहाँ बटनों पर भी यहाँ पर जो है पड़ रहे हैं, और कट भी जाएगा वैसे मेरे ख्याल से, ये देखिए इजीली कट गया। और यहाँ पे इस साइड भी यहाँ पे इजीली पड़ जाएंगे, क्योंकि सारी जो बैक प्लास्टिक की ही है, तो प्लास्टिक पे तो बहुत इजीली यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, और इधर देखें तो सिम ट्रे के ऊपर पड़ रहे हैं, हाँ सिम ट्रे के ऊपर भी पड़ रहे हैं, और यहाँ पे साइड में तो खैर पड़ ही रहे हैं, और इधर भी यहाँ पे जो है पड़ी जाएंगे, लेकिन मारने में थोड़ा मज़ा आ रहा है तो मैं मारी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे मतलब बैक साइड पे तो पैनी चीज़ों से काफ़ी इजीली स्क्रैच पड़ जाएंगे। हाँ बेशक ये सिक्कों से नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो है कटर से मतलब पैनी चीज़ों से काफ़ी इजीली पड़ जाएंगे, और फ्रंट साइड पे दोनों चीज़ों से काफ़ी इजीली पड़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों से अपने फोन को दूर रखिएगा, और बैक साइड कवर को यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कवर को नहीं यूज़ करेंगे तो पैनी चीज़ों से अपने फोन को जरूर दूर ही रखिएगा। तो अभी यहाँ पे जिसका स्क्रैच टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब करते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो टेबल वगैरह सबको साइड करते हैं, और फिर करते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट। तो यार अभी मैंने यहाँ पे जो टेबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे साइड कर दिया है इसका ड्रॉप टेस्ट करने के लिए, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे अभी यहाँ पे एक भी क्रैक नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ओके है, और बैक साइड से भी एकदम ओके है, और यहाँ पे डिस्प्ले को उनको दिखाऊं तो फोन यहाँ पे अभी बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ सही है एकदम। तो अब करते हैं इसके यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट। तो पहले हम कवर के साथ करेंगे, फिर बिना कवर के साथ करेंगे, क्योंकि इस फोन के साथ जो हम यहाँ कवर मिल जाता है, तो मैं पहले तो कवर इसका निकाल लेता हूँ इसके बॉक्स के अंदर से। तो इसका कवर है ये, तो ये रहा हमारे यहाँ पे कवर, इसको साइड में देते हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ पे कवर, जिसको मैं इसके ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो कवर को मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिटिंग है, सब कुछ सही है, एकदम ओके है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, और फ़ोन भी हमारा एकदम सही है। तो अब करते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट कवर के साथ। तो मैं पहले पीछे चल जाता हूँ, और यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हाइट से फोन को नीचे गिरेंगे, मतलब जब हम जो है जेब से फ़ोन निकाल रहे हैं उस टाइम हमारा फ़ोन गिर जाए, तो पहले हम डिस्प्ले की साइड से गिरते हैं, इस हाइट से मतलब जेब की हाइट से, यहाँ से मैंने गिर दिया इसको नीचे, और अभी कवर के साथ ही गिर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अब जो है बैक साइड से गिरते हैं इसी हाइट से ही, और बैक साइड से गिरने पे भी यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं, जब क्रैक आएगा तो मैं पास्ता भी दिखा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा रहा, बढ़िया काम कर रहा है हमारे यहाँ फ़ोन। तो अब क्या करते हैं निचली साइड से गिरते हैं इसको, तो नीचे साइड से इसी हाइट से ही, मतलब जेब वाली हाइट से ही, और यहाँ पे गिर दिया, आवाज़ तो काफ़ी ज़ोर कह रही है, मुझे लग रहा कहीं टाइल वगैरह टूट जाए, पर खैर ओके है। तो अब क्या करते हैं ऊपर वाली साइड से गिरते हैं इसको इसी हाइट से ही, तो ऊपर वाली साइड से गिरने पे कवर के साथ तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई है, मैं पास लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा फ़ोन एकदम बढ़िया ओके है, टच वगैरह सब कुछ सही काम कर रही है यहाँ पे, और डिस्प्ले को बंद करूँ तो यहाँ पे देखिए एक भी क्रैक नहीं आया, और बैक साइड से भी एकदम ओके है। तो आप क्या करते हैं इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाते हैं, मतलब जब हम जो अपने फ़ोन को यहाँ पे कान पे लगा के रखे होंगे उस टाइम हमारा फ़ोन यहाँ पे नीचे गिर जाए, मतलब जब किसी कॉल में बात करेंगे उस टाइम, तो क्या करते हैं अब इस हाइट से गिरते हैं डिस्प्ले की साइड से, कोई कोई बड़े भी होते हैं थोड़ा ऊपर से ही रख रहा हूँ मैं, मतलब किसी किसी की हाइट ज़्यादा लंबी होती है इसलिए, तो यहाँ से गिरता हूँ इसके नीचे मैं डिस्प्ले की साइड से। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं कवर के साथ, अब बैक साइड से इसी हाइट से, और यहाँ पे दुआ गिर गया, तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब निचली वाली साइड से गिरते हैं इसी हाइट से, और यहाँ पे निचली साइड से गिरने पे भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। अब ऊपर वाली साइड से गिरते हैं इसी हाइट से कवर के साथ, ये लास्ट ड्रॉप है हमारे कवर के साथ, तो यहाँ पर मैंने इसको गिर दिया नीचे, और अभी देखते हैं हमारे फ़ोन की क्या हालत है, सब कुछ ओके है, एकदम सही है हमारा फ़ोन, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक, तो कवर के साथ में कोई दिक्कत नहीं आई है, मतलब कि एक भी क्रैक नहीं आया देखिए। और यहाँ फ़ोन को ऑन करूँ तो यहाँ टच भी बढ़िया काम कर रही है, और बैक साइड से भी एकदम ओके है। तो अब क्या करते हैं, इसने जो हमारे कवर के साथ तो हमारा ड्रॉप टेस्ट यहाँ पर सर्वाइव कर लिया है, तो अब जो है इसका कवर यहाँ पर हम उतार देते हैं, और बिना कवर के देखते हैं कि बिना कवर के इसमें कोई दिक्कत आती है ड्रॉप टेस्ट करने के बाद, मतलब कहीं टूटता है कि नहीं, मतलब ड्रॉप टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं बिना कवर के। तो कवर मैंने यहाँ पे उतार दिया है, तो अब बिना कवर के ड्रॉप टेस्ट करते हैं इसका।
तो ये पहले वही सेम जेब वाली हाइट से डिस्प्ले की साइड से गिरता हूँ सबसे पहले तो मैं, तो देखने में यार थोड़ा फील हो रहा है कि टूट ना जाए, पर क्या पता बच भी सकता है। तो इसी हाइट से गिरते हैं, और जिस हिसाब से गिरा ना बहुत ज़ोर की आवाज़ है, मुझे लग रहा है कि शायद टूट ना गया हो। और नहीं यार बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल क्रैक तक नहीं है, ओके है। पर यार मुझे लग रहा है कि जब ऊपर साइड से गिरूंगा उस टाइम टूट सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसको बैक साइड से गिरते हैं इसी हाइट से ही। तो यहाँ से बैक साइड से मैंने गिरा, और बैक साइड से गिरने पे भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है, ओके है, बैक साइड से भी एकदम ओके है। तो आप क्या करते हैं, इसको निचली वाली साइड से गिरते हैं इसी हाइट से ही। तो ये गिर दे निचली साइड से, और यहाँ पे अभी भी ओके है, डिस्प्ले भी अभी भी कोई क्रैक नहीं आया है। आप जो है इसको दोबारा से ऊपर वाली साइड से गिरते हैं इसी हाइट से बिना कवर के, और ऊपर वाली साइड से गिरने पे कोई दिक्कत आई है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्रैक तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन अभी भी एकदम ओके है, एक भी क्रैक नहीं आया है इसके अंदर। और डिस्प्ले को ऑन करो तो यहाँ डिस्प्ले बढ़िया काम कर रही है, और यहाँ पे बैंड वगैरह तो नहीं हुआ, नहीं अभी तो कोई बैंड नहीं हुआ, और बैक साइड से भी ओके है, सब कुछ सही काम कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाते हैं, मतलब जिस टाइम अपने फ़ोन को हम कान पे लगा रखे होंगे उस टाइम में फ़ोन नीचे गिर जाए तो क्या उस टाइम बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, वो चेक करते हैं अब। तो हम जो है वही सेम हाइट रखेंगे अपने थोड़ी हाइट से ऊपर ही, क्योंकि कोई कोई लोग लंबे होते हैं तो बाबा क्यों बताना वैसे, पर फिर भी बता देता हूँ मैं। तो पहले डिस्प्ले की साइड से इस हाइट से गिरते हैं, तो यहाँ से गिरते हैं इस हाइट से डिस्प्ले की साइड से। मुझे लग रहा है कि इस बार टूट गया। तो यहाँ पे ऑन करते हैं, ओश हाँ मैंने कहा था ना मुझे लग रहा है कि टूट गया, तो हाँ टूट गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा क्रैक आ चुका है इधर, ये देखिए, और यहाँ पे पूरी तेढ़ आ रखी है यहाँ तक पूरी, आपको पता नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा यहाँ पे जो है टूट चुका है। और डिस्प्ले को ऑन करूँ तो यहाँ डिस्प्ले काम कर रही है, वैसे डिस्प्ले काम कर रही है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पूरा क्रैक हो चुका है। रेडमी जो C55 है उसको वो टूटा नहीं था, वो एकदम ओके था, पर ये थोड़ा टूट गया है, तो उससे शायद बिल्ड क्वालिटी उससे थोड़ी कम है, पर हाँ काफ़ी अच्छी है, इतनी भी बेकार नहीं है कि इजीली टूट जाएगा, क्योंकि इतने सारे ड्रॉप करें उसके बाद कहीं जाके टूटा है। तो अब क्या करते हैं, हाइट तो वही है, एक ही बार गिरा अभी तो डिस्प्ले की साइड से, अभी तो तीन बार और गिरना है इसी को उसी हाइट से, तो फिर देखते हैं क्या हाल होता है। तो अब क्या करते हैं, इसी हाइट से बैक साइड से गिरते हैं, ओश डिस्प्ले की साइड दोबारा गिर गया, थोड़ा घूम गया था ना। अभी जो है निचली वाली साइड से टूट गया, डिस्प्ले को बंद करता हूँ। हाँ यहाँ से भी थोड़े और क्रैक्स आ चुके हैं, और ऊपर से तो खैर आ ही गए हैं, वो मतलब जो आई रखे थे, मतलब इतने खास नहीं है, पर थोड़े जो क्रैक्स और बढ़ गए हैं बस। तो अब करते हैं निचली साइड से गिरते हैं इसको इसी हाइट से, और यहाँ से गिरने पे अब तो यार जब एक बार क्रैक आ जाते हैं ना तो क्रैक बढ़ती ही रहते हैं, इजीली बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इस बार गिरने पे यहाँ निचली साइड से भी थोड़ा सा टूट गया है, यहाँ पे देखिए पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, पर ये देखिए यहाँ पे यही टूटा है, बाकी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। अब ऊपर वाली साइड से गिरते हैं इसको, बैक साइड से भी एक बार और गिरेंगे, क्योंकि बैक साइड ढंग से गिरा नहीं है, तो उस वहाँ उस टाइम और गिरेंगे एक बार। तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाली साइड से गिरते हैं इसको इसी हाइट से ही, और ऊपर वाली साइड से गिरने पे यहाँ से दोबारा से ये भी टूट गया ऊपर से यार। ये देखिए ये यहाँ से ऊपर से टूट गया है, बाकी ये क्रैक्स तो पहले से रखे थे, ये वाला अभी टूटा है, डिस्प्ले लगभग यहाँ से अलग ही होगी यार, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन को ऑन करते हैं, तो फ़ोन तो हमारा ऑन है, काम कर रहा है। तो खैर सारे ड्रॉप हो चुके हैं पूरे, बैक साइड से एक बार ख़राब हो गया था, दोबारा से बैक साइड भी गिरते हैं एक बार, लास्ट टाइम ये लास्ट ड्रॉप ही हमारा, तो बैक साइड से इस पर ढंग से गिरूंगा मैं इसी हाइट से। हाँ अब सही गिरा, पिछली बार थोड़ा सा घूम ही गया था, ढंग से नहीं गिरा था, इसलिए अब मैंने गिरा तो अब ढंग से गिरा है। जो लास्ट ड्रॉप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और पर लास्ट ड्रॉप में यार कुछ खास क्रैक पड़े नहीं है, ओके है फोन, आप देख सकते हैं अगर आपको कोई नया क्रैक दिख रहा हो तो, पर यार इतना कुछ खास पड़ा नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोन यहाँ पे अभी भी जो है काम कर रहा है। देखिए टच भी सही काम कर रही है, कैमरे को ओपन करूँ तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा और यहाँ पे जो है बैक कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है। तो ड्रॉप टेस्ट में आप देखते हैं कुछ इस तरह की हाँ हालत हो चुकी है, तो अपने फ़ोन को ऊपर जो है ये जो कवर मिला है इस साथ उसको लगा के रखिए, कि इसलिए कई बार गिर जाता है, मतलब इस हाइट से गिरे तब तो कुछ ना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इस हाइट से गिरे तो ये टूट भी सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तरीके से टूटेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से जो है टूट सकता है, थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाएंगे, डिस्प्ले थोड़ी टूट जाएगी, बाकी आप देखते हैं कुछ इस तरह की हालत हो सकती है आपके फ़ोन की अगर आप कवर नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए कवर यूज़ करिएगा, लेकिन आप ग्लास गार्ड भी यूज़ करते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी इसकी। बाकी आपने देख लिया इसका स्प्लैश टेस्ट, क्रैश टेस्ट और ये लास्ट ड्रॉप टेस्ट भी, तो आपको पता लग गया किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और लगभग मतलब बाकी फ़ोनों से थोड़ी ठीक ही है, लेकिन काफ़ी सारे फ़ोन जिनको मैं ड्यू बिल्ड टेस्ट कर रहा है उनमें से आधे फ़ोन तो लगभग ड्रॉप टेस्ट डेड हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर जो एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट और बैंड टेस्ट भी करना है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो देखते हैं कि वो ये फोन जो सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों फिर बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।